तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मौसम विभाग से जुड़ी हर खबर के बारे में, हर राज्य के बारे में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। किन किन राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है, कब तक मौसम रहेगा खराब, तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर से जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मौसम विभाग से जुड़ी हर राज्य के बारे में जानकारी आते रहेंगे, सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मौसम विभाग ने प्रदेश में शुक्रवार को अति भारी और भारी बारिश के दो अलर्ट जारी किए हैं। 10 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 31 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक प्रदेश में ऐसे ही झमाझम बारिश होती रहेगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आज 10 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो चलिए जानते हैं वह कौन से 10 जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विदिशा, रायसेना, माऊगंज, कटनी, बल्लाघाट, शिवपुरी, सीधी, पन्ना, छतरपुर और मेहर में अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई है। और बताते दोस्तों, वही 31 जिलों का नाम बताने जा रहे हैं जहां येलो अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 31 जिलों में आज भारी बारिश की येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बैतूल, हरदा, खड़वा, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, साजापुर, गुना, अशोकनगर, मुरैना, सीहोरपुर, सिंगरौली, रीवा, रतना, भोपाल, सीहोर, राजगढ़, नर्मदा, पूरन, अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, उमरिया, डिंडोरी, जबलपुर, सिवनी, दीमोह, सागर और टीमागढ़ में भारी बारिश होने की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया है। आप सभी को बता दें, वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अभी भी मौसम सुहाना बना हुआ है। गुरुवार शाम को राजधानी रायपुर समेत कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसके बाद आज भी राजधानी में सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने एक बार फिर से प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसूनी तंत्र के प्रभाव से शुक्रवार को भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही बता दें कि राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादल छाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर बिलासपुर में भी मौसम बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी प्रदेश में कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है, जिससे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जी हां दोस्तों, आप सभी को बताते चलें, वहीं मौसम विभाग का कहना है कि शनिवार से बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम होगी। रुक रुक कर हो रही बारिश व बादल छाने के कारण गुरुवार को रायपुर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट हुई है। जी हां दोस्तों, मौसम विशेषज्ञ संजय बैरागी ने बताया कि मानसून द्रोणिका मध्य समुद्र तल पर श्रीनगर, रोहतक, हरदोई और उसके बाद दक्षिण पूर्व की ओर से उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। साथ ही ऊपरी हवा का चक्री चक्रवर्ती संचरण पश्चिम बंगाल व उससे लगे दक्षिण बंगाल देश के ऊपर स्थित है। इसके प्रभाव से शुक्रवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके साथ ही बिलासपुर संभाग व रसगुजा संभाग में भारी बारिश के आसार है। जी हां दोस्तों, तो और इसकी जानकारी अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।